बेटी को बंदर मुखलाने आए लोगों पर धड़ाधड़ हथियार से हमला। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के कस्बे के मोहल्ला खेल में दामाद ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर ससुरालियों पर धड़ाधड़ हथियार से हमला करने के साथ ही पथराव कर दिया। हमले में एक महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पथराव कर रहे लोगों को बल प्रयोग कर भागने के साथ ही तीनों घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ितों ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट शामली। नाम है आपका? अच्छा, क्या मामला हुआ जो आप थाने पे आए हो? मेरे साथ मारपीट कर रहे हो। कौन? दूसरी शादी करना चाह रहा है। जब मैं दूसरी शादी करूँ पर मेरे पसंद लगती है ऊपर से ऊपर ले जाके मारी हुई है। ससुरे ने मारी और ननद ने मारी, लोंग छीन ली सारी। किस चीज़ से मारपीट आएगी? फट्टी, इतनी मोटी फट्टी थी उससे करी मारपीट आई हुई। अच्छा, इसमें आपका कोई और भाई हुई, कोई और भी घायल हुआ है क्या? जी सब घायल हो रहे हैं। मेरे भाई, उन्होंने हमला करा मेरे भाई पर। अच्छा अच्छा, वे बचाना आए थे। अब आप थाने आए, क्या चाह रहे हो? मैं चाह रही हूँ मुझे इंसाफ मिला। मैं नाम मोहम्मद जाहिद है। अच्छा, यहाँ पे मोहल्ले में पथराव हुआ है, झगड़ा हो रहा, क्या पूरा मामला? पुलिस हमारी लड़की भी आई थी यहाँ जलालाबाद से, तब से 2 साल पहले। अच्छा, हमें पता लगा कि 2-3 महीने से लड़की को परेशान कर रखे, हाथ बांध बांध के मारे, 2 महीने से खाने को दे रहे, 2 रोटी दे पूरे दिन में। अच्छा, रात यहाँ शामली में मौत हो गई थी, तो लड़की को लेके वहाँ गए। हमें जब पता सच्चाई का लगा, रात हमने कुछ नहीं कहा कि मौत हो रही है। सुबह हम घर में आए, घर में पड़ते सार मारपीट शुरू कर दी हमारी साथ। किस चीज से मारपीट की? मारपीट करी डंडों से और पिस्टन और कट्टा लेके चढ़े हमारे पे, और एक भाई तलवार लेके चढ़ा। लोग थे मारपीट करने? मारपीट करने में वो वाजिद था और राशिद था और उसका बाप बाबू। तुम कितने लोग घायल हो? हम 5 लोग घायल हैं। उनकी ओर से भी कोई घायल? उनकी ओर से कोई घायल नहीं है। पुलिस आई? वो तो तैयारी से थे, पुलिस बहुत देर बाद आई, आ गई पुलिस। आप कैसी कार्रवाई चाह रहे? हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी लड़की बस इंसाफ मिले।